एलिफेंट रेस्क्यू। एक गांव में जगन्नाथ नाम का एक धनवान रहता था। उसकी पत्नी थी मेनका और बेटा रितेश था। जगन्नाथ बहुत धनवान था पर दूसरों की मदद नहीं करता था। एक दिन उनके घर में एक काम कर रहे नौकर ने आकर, मालिक मेरी पत्नी बहुत बीमार है, डॉक्टर कहते हैं कि यदि तुरंत ऑपरेशन नहीं किया तो वो बच नहीं पाएगी, अगर आप मुझे 1,00,000 रुपए उधार देंगे तो मैं अपने वेतन से धीरे धीरे उसे चुका दूंगा, कृपा करके मेरी पत्नी की जान बचा लीजिए मालिक। क्यों रे, 1,00,000 रुपए चाहिए है? तुम अपनी औकात जानते हो ना, तुम्हारे अपने वेतन से उधार चुकाने हो तो कई साल लग जाएंगे, इसकी क्या गारंटी है कि तुम उतने साल जियोगे? अगर हो भी तो पहले ही पैसे ले चुके हो तो तुम ठीक से काम तो नहीं करोगे। वैसे मैं तुम्हारी सहायता क्यों करूं? तुम मेरे लिए मुफ्त में काम कर रहे हो क्या? दोबारा पैसे मांगे तो ठीक नहीं होगा। जाओ जाओ। वो दुखी होकर चला गया। ये देख मेनका को बहुत दुख हुआ। जगन्नाथ ऐसा था तो उसका बेटा एकदम उसके विपरीत था। स्कूल में रितेश गरीब बच्चों को अपने पेन, पेंसिल, नोटबुक्स वगैरह सब देता रहता था। जो बच्चे खाना नहीं लाते उन्हें अपने लंच बॉक्स में से खाना बांटता था। हर रोज कार में स्कूल जाते हुए दूसरे बच्चों को भी कार में बिठाता था। एक दिन जगन्नाथ अपनी पत्नी से, ये क्या ये ऐसी हरकतें करता रहता है? सुना है कि ये स्कूल में सब कुछ बांट देता है। अरे कार में दूसरे बच्चों को भी बिठाता है। ऐसा ही रहा तो जब तक ये बड़ा होगा अपनी सारी संपत्ति मिट्टी में मिल जाएगी। वैसे तुम कर क्या रही हो, उसे नसीहत क्यों नहीं देती? बच्चे यदि गलती करे तो उन्हें नसीहत दी जाती है, जब अच्छे काम करे तो क्या नसीहत देंगे? क्या आप जानते हैं कि गांव वाले उसे कितना चाहते हैं? उसे देखकर मुझे गर्व होता है। नसीहत तो आपको जरूरत है, आप बदलिए। एक दिन रितेश कार में स्कूल से घर लौट रहा था तभी उसे जोर से एक हाथी के चिंघाड़ने की आवाज़ सुनाई दी। उसने कार को रुकवाकर नीचे उतरा, चारों ओर देखा, वहाँ उसे एक हाथी गड्ढे में गिरी हुई दिखाई दी। रितेश उसके पास गया, वो ऊपर निकल नहीं पा रहा था और बेचैन हो रहा था, बहुत जोर से चिल्ला रहा था। रितेश वहाँ से गुजर रहे लोगों को बुलाया। एक आदमी से, गांव वालों को बुलाकर हाथी को बचाइए, ये इस गड्ढे में फंसा हुआ है। ये बात सारा गांव जानता है बेटा, पर इसे बचाने के लिए शहर से क्रेन बुलवाना होगा। किसी का मन नहीं करता कि इतने पैसे खर्च करें, हमारे पास तो पैसे हैं नहीं बेटा, इसीलिए उसे उसकी हाल पर छोड़ दिया है। रितेश तुरंत अपने घर गया। उसने अपने जमा किया हुआ पैसा पूरा निकाल कर शहर में एक क्रेन को बुलवाया। उस क्रेन की मदद से हाथी को बाहर निकाला। उसको चोट लगी थी तो उसे ट्रैक्टर में ले जाकर अस्पताल गए। डॉक्टर ने हाथी के पैर पर लगी चोट का इलाज किया। थोड़ी देर बाद वो ठीक होकर वहाँ से चला गया। घर आए रितेश से जगन्नाथ, ए तू कर क्या रहा है? एक हाथी को बचाने के लिए इतना खर्च किया, सारे गांव में किसी को सहानुभूति नहीं है पर तुम्हें क्यों? बच्चा है, सोचकर मारता नहीं हूँ तो तुम तो सिर चढ़े जा रहे हो। कहकर पत्नी से, इसे अब बाहर नहीं जाने देना चाहिए, अब से इसकी पढ़ाई घर पर ही होगी, इसे 1 रुपया भी मत देना, फिर देखते हैं ये लोगों की सहायता कैसे करता है। रितेश बहुत दुखी हुआ। कुछ दिनों बाद जगन्नाथ, मेनका और रितेश अपने रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के लिए वो कार में गए। कुछ दूर जाने के बाद कार का ड्राइवर, सर कार के ब्रेक्स नहीं लग रहे हैं सर। सब घबराने लगे, अब क्या करें, वैसे ही ये पहाड़ी रास्ता है, भगवान बचाओ। यूं कार तेजी से जा रहा था, वहीं पास में एक खाई थी। कार उस खाई की ओर जाने लगी। वे सब बचाओ बचाओ कहकर चिल्ला रहे थे। कार खाई के किनारे तक गई, वे और जोर से बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे। कार का अगला हिस्सा खाई में जाने लगा। और पीछे से एक हाथी ने आकर उस कार को पकड़ लिया। जगन्नाथ उस कार से लटक रहा था। हाथी ने उस कार को जोर से खींचा और उसे उठाकर किनारे किया। सब कार से उतरकर चैन की सांस ले रहे थे। जगन्नाथ उस हाथी को देखकर हैरान हुआ। उसने कहा, एक हाथी ने हमें क्यों बचाया? उस हाथी को मैंने बचाया था ना डैडी, इसलिए उसने हमें बचाया। जगन्नाथ की आंखों में आंसू आ गए। घुटनों को टेक कर उस हाथी को प्रणाम किया।
बाद में रितेश को अपने बाहों में ले लिया। उस हाथी ने रितेश को अपने सूंड से आशीर्वाद देकर वहाँ से चला गया। उस दिन से जगन्नाथ अपने नौकरों और गांव वालों की मदद करने लगा। मेनका और रितेश ये देखकर खुश हुए। मैरिज ब्यूरो। मंगलपुर नाम के गांव में शर्मा नाम का एक शादी के रिश्ते जोड़ने वाला रहता था। वो अपने घर पर ही शादी मुबारक नाम से शादी का ब्यूरो चलाता था। वो आसपास के 10 गांवों में शादी के उम्र की लड़कियां और लड़कों के लिए रिश्ता ढूंढता और रिश्ता तय करता था। वो उनके जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, राशिफल इत्यादि को मिलाकर रिश्ता तय करता था। इस तरह उसका तय किया हुआ हर रिश्ता बहुत अच्छा होता था। वो न केवल उनका रिश्ता जोड़ता जो उनके पास आते थे, बल्कि अच्छा रिश्ता होने पर स्वयं ही फोटो लेकर उनके घर चले जाता था और उनको दिखाता था। तुरंत ही दोनों परिवारों का मिलने का भी प्रबंध करता था। उस गांव में जानकी राम नाम का एक किसान रहता था। उसकी बेटी का नाम था सीता। सीता की माँ बच्ची को जन्म देते ही मर गई, इसीलिए जानकी राम ने ही माँ और बाप की तरह से पाला। सीता की जब शादी की उम्र हुई तो उसका विवाह करने का निश्चय किया गया। शर्मा जी हफ्ते में एक बार फोटोओं को लेकर उनके पास आते थे। जानकी राम। क्या है शर्मा जी, आप कई बार बहुत सारे रिश्ते लेकर आते हैं। मेरी बेटी को और मुझे पसंद होने पर भी अभी तक उन्हें हमारे घर बातचीत के लिए नहीं लाए। वैसे हो क्या रहा है शर्मा जी? यही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा। हर कोई ये कहता है कि रिश्ता अच्छा है, हम लड़की देखने आ रहे हैं, पर आते नहीं है। पूछने पर कोई बहाना कर देते हैं। मैं जानता हूँ कि आपका परिवार कितना अच्छा है। मैं कह रहा हूँ ना, अब तक मैं 99 शादी करा चुका हूँ। 100वां शादी आपकी बेटी की ही होगी, तब तक कोई और शादी नहीं कराऊंगा, ये मेरा वादा है। एक दिन सीता की सहेली शर्मा जी के पास आकर, शर्मा जी आपके रिश्ता तय करते ही सीता मुझे उन्हें फोन पर उसकी बुराई करने के लिए कहती है। अब और मुझसे सहा नहीं जाता, इसलिए कह रही हूँ पता नहीं क्यों उसे कोई रिश्ता पसंद ही नहीं आता। ये कहकर चली गई। शर्मा जी हैरान हो गए। वे तुरंत सीता के पास गए और, क्यों बेटा ऐसा क्यों कह रही हो? अगर रिश्ता पसंद ना हो तो सीधा अपने पिताजी से या मुझसे कह देते, ये क्या पागलपन है। तब सीता, शर्मा जी मुझे क्षमा करे, मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे रिश्ता पसंद नहीं है। मेरे पिताजी के लिए मैं ही सब कुछ हूँ। अगर मैं अपने स्वार्थ के लिए शादी कर गई तो उनका देखभाल कौन करेगा? वो समय पर दवाई भी नहीं लेते हैं, मुझे जबरदस्ती देना पड़ता है। यदि मैं शादी करके चली गई तो वो शारीरिक तौर से ही नहीं मानसिक तौर से भी कमजोर पड़ जाएंगे। शर्मा जी आप कृपा करके मेरे लिए कोई रिश्ता ना ढूंढे, ये बात मेरे पिताजी से ना कहे। कहकर प्रणाम किया। शर्मा जी के आंखों में आंसू आ गए। इस जमाने में भी ऐसे बच्चे हैं? इस लड़की के लिए किसी भी तरह एक घर जमाई को ढूंढना पड़ेगा, चाहे कितने ही महीने या कितने साल लग जाएं। यही मेरा किया हुआ 100वां विवाह होगा। उस दिन से घर जमाई की तलाश करने लगे। कोई ना मिलने पर वो चिंतित होने लगे। एक दिन पड़ोसी गांव के जमींदार का संदेश आया तो उनके घर चले गए। शर्मा जी जमींदार से, आपके बेटे को मैं कोई भी रिश्ता बताऊं पसंद तो आएगा नहीं, तो आप रहने ही दें। जमींदार, पहले आप फोटो दिखाओ तो सही, शायद कोई पसंद आ जाए। शर्मा जी ने जमींदार के बेटे रामलाल को कुछ फोटो दिखाए। सब फोटो देखकर रामलाल ने कहा, मुझे कोई भी पसंद नहीं है शर्मा जी। कहा था ना। कहते हुए उठकर जाने लगे कि उनके थैली से कुछ फोटो नीचे गिरे। उनमें सीता की फोटो रामलाल को दिखाई दिया। तुरंत रामलाल उस फोटो को लेकर, ये फोटो मुझे क्यों नहीं दिखाया? ये लड़की मुझे बहुत पसंद है। शर्मा जी, ये लड़की तुम्हारे परिवार के लिए ठीक नहीं है, इसीलिए नहीं दिखाया। कहकर सीता के बारे में सब कुछ बताया। ये सुनकर रामलाल अपने पिताजी के बारे में इतना सोचती है, ये दर्शाता है कि उसका दिल कितना अच्छा है। मैं उसे हर हाल में नहीं छोड़ूंगा, मैं ही उनके घर जमाई बनूंगा। तुरंत ये रिश्ता पक्का करें,
शर्मा जी चकित रह गए। जमींदार, ये क्या बक रहे हो? हम यहाँ तुम्हारा रिश्ता किसी धनवान के यहाँ करना चाहते हैं और तुम एक गरीब के घर जमाई बनना चाहते हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। रामलाल, पिताजी, व्यक्ति को पैसों का धनी नहीं ऋणों का धनी होना चाहिए। वैसे शादी के बाद लड़की को अपना घर छोड़ना पड़ता है, ऐसा क्यों? पति क्यों नहीं पत्नी के घर जा सकता? स्त्री हो या पुरुष, दुख तो एक बराबर होता है पिताजी। इसीलिए मैं उससे विवाह कर उसके घर में ही रहूंगा। घर जमाई के नाम से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं जानता हूं कि आप इस शादी के लिए राजी नहीं होंगे, इसीलिए मैं घर छोड़कर जा रहा हूं। अगले दिन शर्मा जी और रामलाल जानकी राम के घर गए। शर्मा जी जानकी राम से, इसका नाम रामलाल है, ये एक अनाथ है। अगर आपको मंजूर हो तो ये आपकी बेटी से शादी करना चाहता है और आपके घर ही रहेगा। इस गांव में कोई नौकरी कर लेगा, लड़का बहुत अच्छा है, क्या कहते हैं? जानकी राम सोच ही रहा था कि क्या कहें कि सीता ने तुरंत, ये रिश्ता मुझे मंजूर है। जानकी राम ये जानकर कि बेटी को रिश्ता पसंद आया बहुत खुश हुए। इस तरह उनकी शादी हो रही थी कि जमींदार अपने परिवार के साथ वहाँ आया। जमींदार अपने बेटे से, बेटा, इतने सालों में तुम्हें कोई रिश्ता पसंद नहीं आया तो मैं समझा कोई और कारण है, पर अभी समझ पाया हूँ तुम्हारे कितने उच्च विचार हैं। अपना घर बार जमीन जायदाद सब इसलिए त्याग दिया कि एक लड़की को अपने पिता से दूर नहीं करना चाहिए। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। सीता हैरान हो गई। जानकी राम को सारी बात समझ में आ गई। जमींदार जानकी राम से, भाई साहब, हमारा साझा कारोबार है, आपको आपत्ति ना हो तो आप भी हमारे बेटे और बहू के साथ हमारे घर में ही रह सकते हैं। जानकी राम खुशी खुशी मान गए। इस तरह उनकी शादी बड़े धूमधाम से हुआ। शर्मा जी इस बात से बहुत खुश हुए कि उनके द्वारा तय किया गया 100वां शादी उनके जीवन का खास पड़ाव है। तो बच्चों, जो बच्चे अपने माँ बाप को बहुत प्यार करते हैं और उनका ख्याल रखते हैं, अंत में उनका अच्छा ही होता है, समझे?